हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर मैंने डिस्काउंट लगाना पहले भी कई बार सिखाया है और आज के इस वीडियो में फिर वही बात हम करेंगे। अब एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि अगर एक्सेस में डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाए, तो आइए उसके बारे में देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करता हूँ। ये एक्सेस का मेरे पास दोनों वर्जन है, 2007 भी है और 2021 भी है। इवन मैं तो ऑफिस 365 भी यूज करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम 2021 पर काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2016 है तो लगभग ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, वहां पर भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 की। यहाँ से ब्लैंक एक डेटाबेस हम ले लेते हैं और यहाँ पर आप सीधा एंटर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी एंटर करने में। तो यहाँ पे व्यू पे जाके या डिजाइन व्यू पे जाइएगा तो ये इस तरीके से आएगा। मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, ये टेबल बन रही है हमारी और इस टेबल को नाम दे देता हूँ डिस्काउंट टी। टी क्यों? क्योंकि टी से सिंबल है ये टेबल का, तो टेबल दे दिया, तो ये हो गया। अब यहां पर ये आईडी है, यहां पे आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पे लिख देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ और अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर प्रोडक्ट का नेम आएगा और फिर यहां पर आएगा प्रोडक्ट का प्राइस, तो जो भी प्रोडक्ट की प्राइस हो वो यहां पे आ जाएगी। और यहां पर आपको करना क्या है, करेंसी डेटा टाइप रख लेना है और यहां पर कर दीजिएगा क्वांटिटी। क्या करिएगा? क्वांटिटी करिएगा और यहां पे नंबर रख करके और ये जो लॉन्ग इंटीजर है इसे हटा दीजिएगा और यहां बना लीजिएगा डबल, ठीक है। और अब हम टोटल करेंगे यहां पे, तो टोटल यहां पर जो भी आएगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना ईजी है, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करने के लिए जैसे ही जाएंगे तो एक्सप्रेशन बिल्डर आपका ओपन हो जाएगा। देख लीजिए ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब जब ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना है, ओपन कर लेना है और उसमें क्या लिखना है, प्राइस, क्योंकि हमने प्राइस ही दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस ही हमने लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आपको प्राइस कर देना है और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्वांटिटी से, यानी QTY, यानी ये हो गया क्वांटिटी, और इसको बंद करके और यहां से ओके कर दीजिएगा, तो यहां पर आपका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी बात करते हैं यहां पर डिस्काउंट की, ठीक है। तो यहां पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो यहां पर डिस्काउंट हम कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं नंबर ले लेता हूं और यहां पर डबल बना देता हूं, हो सकता है हमें पॉइंट में डिस्काउंट देना पड़े, तो यहां पर यह डिस्काउंट आएगा, तो जो भी डिस्काउंट हम एंटर करें उसका अमाउंट कैलकुलेट हो जाए, तो यहां पे डिस्काउंट अमाउंट कर देते हैं, ये हो गया डिस्काउंटेबल अमाउंट, डिस्काउंटेबल अमाउंट कर देते हैं AMOUNT, तो ये हो गया डिस्काउंटेबल अमाउंट। एक हमने फील्ड डाला यहां पे और यहां पर आकर के और यहां पर वापस वही कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल हमें करना होगा और यहां पर क्या करना है, यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद टोटल को इस तरीके से लेकर के मल्टीप्लाई बाई, अच्छा डिस्काउंटेबल अमाउंट कैलकुलेटेड डेटा टाइप है और यहां पर ये नंबर डेटा टाइप है। एक चीज यहां पर भी ध्यान देने वाली है, ये जो हमने नंबर डेटा टाइप लिया है तो ये नंबर डेटा टाइप ना लेकर के हम इसे परसेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो परसेंट कैसे बनाएंगे, जैसे ये नंबर है ना तो फॉर्मेट में जाकर के आपको क्या करना है, इसे बना देना है परसेंट। देखिए यहां पे परसेंट बना दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज डबल होनी चाहिए तभी ये परसेंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेना है, तो यहाँ पे आएंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप आएगा यहाँ से, तो ये ले लिया है कैलकुलेटेड डेटा टाइप और यहाँ पर आकर के एक्सप्रेशन बिल्डर को ओपन करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टोटल लिखेंगे, ठीक है। और टोटल में ही तो हमारा डिस्काउंट छिपा होगा, इसी में से तो डिस्काउंट निकलेगा, और यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंटेबल अमाउंट, तो DISCOUNTABLE डिस्काउंटेबल और यहां पे कर दीजिएगा अमाउंट AMOUNT, तो ये हो गया डिस्काउंटेबल अमाउंट और ये करके ओके कर दीजिएगा। और ओके जैसे ही आप करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा व्यू, तो व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पे व्यू पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहां पे कह रहा है द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सेव्ड बिकॉज इट रेफर्स इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके ओके करते हैं, तो यहां पर ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिस्काउंटेबल अमाउंट निकलेगा कैसे, प्रॉब्लम ये है, तो डोंट वरी। यहां पर अभी हम प्रोडक्ट का नाम एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं कीबोर्ड, ठीक है। ये एक एग्जांपल कीबोर्ड ले लिया और इसकी प्राइस है ₹350 मान लीजिए, और 50 कीबोर्ड की बात हो रही है तो टोटल आ गया। और यहां पर देखिए डिस्काउंट दिया गया है, तो यहां पर इस प्रोडक्ट पे 2% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे 2% आ चुका है, देख सकते हैं ना। इसी तरीके से यहां पे कर देते हैं LED मॉनिटर,
MONITOR एलईडी मॉनिटर हो गया, और यहां पर इसकी प्राइस जो है 8000 रुपए है, ठीक है, कितनी है 8000, और ऐसे ऐसे चार जो है सेल किए गए तो उसकी प्राइस आ गई, और इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिला तो यहां 2.5 करेंगे, तो इस बार कर दिया 2.50% डिस्काउंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे कर देंगे एक और चीज, जैसे कर दिया हमने लैपटॉप LAPTOP, तो ये लैपटॉप कर दिया, लैपटॉप है 80000 का, ठीक है, कितना है 80000 का है, और तीन लैपटॉप परचेज किए गए और इस पर डिस्काउंट कितना लगा, तो यहां पे कर देते हैं 25%, कितना करेंगे 25%, तो ये 25% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन ये डिस्काउंट कैलकुलेट तो नहीं हुआ, तो कैलकुलेट कैसे होगा, तो अभी तो इसको क्लोज करने की बारी है, ये जो टेबल बनाया था हमने, और यहां पर एक क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी डिजाइन पे जाके, क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके, और फिर यहां पर देखिए ये जो डिस्काउंट वाला टेबल, इसको ड्रैग करके यहां लाएंगे, और फिर यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें चाहिए, प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, टोटल चाहिए, और क्या क्या चाहिए, हमें डिस्काउंट भी चाहिए, तो ये डिस्काउंट ले लिया। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है डिस्काउंट टेबल अमाउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट टेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो डिस्काउंट टेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहां पे एक फील्ड डालना होगा डिस्काउंट टेबल अमाउंट, तो यहां पे लिखते हैं हम डिस्काउंट टेबल अमाउंट AMOUNT, ये लिख दिया हमने, ठीक है, और यहां पे कॉलन लगा दिया, कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अब चूंकि टोटल के ही अंदर डिस्काउंट हमारा आएगा, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिस्काउंट से, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे DISCOUNT, ये हो गया डिस्काउंट, और बस यहां से ओके प्रेस कीजिए और यहां से रन करवा दीजिए, तो ये आपका डिस्काउंट टेबल अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ गया। देखिए यहां पर डिस्काउंट टेबल ही कैलकुलेट हो रहा है अमाउंट जो है, ठीक है, यानी 17500 पर अगर 2% का डिस्काउंट मिले तो 350 रुपए हुए, अगर 32000 पर 2.5% का डिस्काउंट मिले तो ये 800 रुपए हुए, अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 240000 रुपए की बात है, तो 240000 का 25% कितना आएगा 60000 रुपए, यहां पे देख सकते हैं ये 60000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्काउंट के लिए आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, और यहां पर क्रिएट पे आके आप अपना फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो चलिए क्यों ना फॉर्म ही डिजाइन कर लिया जाए। अब तो यहां से देखिए फॉर्म विजर्ड है, नेविगेशन फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म है, इस बार हम ब्लैंक ही ले लेते हैं, तो ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं, ठीक है, आप किसी से भी जा सकते हैं, यहाँ फॉर्म पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो एक बना बनाया फॉर्म आपको डिस्प्ले हो जाता है, डिजाइन करेंगे तो आपको खुद से वहां देना होगा, चलिए इस बार ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, तो ये ब्लैंक फॉर्म पे आ गए। अब ये ऐसे दिख रहा है, तो कहां हमारा टेबल है, कहां सारी चीजें हैं वो दिख नहीं रही है, तो पहले इस क्वेरी को क्लोज करेंगे, क्लोज करने से भी पहले इसे क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको टेबल नजर आएगा, ये देख सकते हैं ये टेबल है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेरी चाहिए, क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो ये हमारी क्वेरी है, ठीक है, और इस क्वेरी को यहां पे हम लेके आ गए हैं, देख सकते हैं ये हमारी क्वेरी है, और ये क्वेरी एकदम स्पष्ट रूप से फॉर्म के अंदर आपको दिखाई पड़ी है, क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, यानी इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म भी कैसा बनाया कि इसमें डायरेक्टली क्वेरी को लेके आ गए, ठीक है, देख सकते हैं ना, क्वेरी अगर बनाएंगे तो क्वेरी को भी इस तरीके से लेके आप आ सकते हैं, बहुत ईजी है, देखिए यहां पर ये इस तरीके से शो करेगा। और अब अगर यहां फॉर्म के अंदर डायरेक्टली एंटर करते हैं तो क्या प्रोसीजर है, कैसे एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड लिखता हूं, व्हाइट बोर्ड, ये हो गया व्हाइट BOARD, व्हाइट बोर्ड कर दिया, और प्राइस कितनी 1800 रुपए है, ठीक है, और 5-6 व्हाइट बोर्ड की बात आ रही है, तो जैसे अच्छा ये टोटल कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं दिया इसलिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5% का डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। और ये आपका फॉर्म है, ये ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म है आपका, और फॉर्म में सीधा आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह जो कुछ भी चेंज करना चाहे यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, आपका कुछ इस शेप में ये दिखेगा, देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे अगर अल्टरनेट कलर लगाना चाहें तो आप अल्टरनेट कलर भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, देखिए जैसे ऐसा, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर अगला प्रोडक्ट आएगा, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन बुक, पाइथन BOOK बुक, तो यहाँ पे देखिए ये पाइथन बुक, और यहाँ पे पाइथन बुक की प्राइस है 560 रुपए, ठीक है, कितनी है 560 रुपए, तो ये डाल दिया हमने, 7 बुक की बात हो रही है, और यहाँ पे इस पर डिस्काउंट है 2% का, तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं, और काफी कन्वीनियंट वे में। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है,